हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पर रिलीज हुई एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है संभवतः। इस शॉर्ट फिल्म की लेंथ है 22 मिनट और ये आपको मराठी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो यार इस वीडियो का पूरा देखना, क्योंकि इस शॉर्ट फिल्म में जो मेकर्स ने बताने की कोशिश की गई है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और एज महाराष्ट्रियन मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर कोई मराठी सीरीज हो या मूवीज हो या इस तरीके की शॉर्ट फिल्म अगर अच्छी है वो लोगों तक ज्यादातर पहुंचना चाहिए तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। तो इस शॉर्ट फिल्म के बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ दिल की बात भी आज शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में, इस पेंडेमिक के दौर में एक चीज तो समझ में आ गई कि जो पर्दे पे जो हीरो होते हैं वो सिर्फ वहीं के हीरो होते हैं, रियल लाइफ में वो लोग हीरो होते नहीं है। उनमें से काफी लोगों ने डोनेट किए बहुत ही करोड़ों रुपए सरकार को, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन लोगों ने आगे बढ़कर बहुत सारी मदद की, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान और सोनू सूद। स्पेशली सोनू सूद ने तो वो कर दिखाया जो आप समझ सकते हो ना, वो मतलब इन लोगों के लिए अपने दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की बात करूंगा जो आप लोग को पता है लेकिन हम लोग इतना गौर नहीं करते या उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा, वो लोग तो हमारी देश की रक्षा करते हैं, मतलब उनके लिए तो हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे देश के किसान है, जो हमारे फार्मर्स है, वो लोग तपती धूप में जो मेहनत करके जो अनाज उगाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग को खाने को मिलता है, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। वो लोग जब सुसाइड करते हैं तो उसके पीछे की वजह आपको सिर्फ ये लगता है कि उनके ऊपर कर्जे ज्यादा होने की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उन्हीं में से एक चीज आपको इस शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये शॉर्ट फिल्म की कहानी की बात करो तो कहानी बहुत ही सिंपल सी ये है कि एक फार्मर जो अपनी जमीन बचाने के लिए किस हद तक गुजर जा रहा है, क्योंकि उसके साथ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया ये सब चीजें करने के लिए। तो वो क्या है वो देखने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी पड़ेगी। इस शॉर्ट फिल्म में जो एक्टर्स का परफॉर्मेंस है काफी रियल लगा मुझे, स्पेशली जो किसान का रोल प्ले कर उस एक्टर का काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब इजीली आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, पता नहीं कि अपना सा किरदार लगता है। हालांकि उसने एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले किया लेकिन फिर भी जिस तरह से उसने परफॉर्म किया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरे घर में एसी है और मेरे ऑफिस में एसी है और मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगता है, तो उस 15 मिनट में भी मुझे गर्मी फील होती है। सोचो कि जो किसान धूप में मेहनत करके अनाज उगाता है या तो फिर जो मजदूर जो रोड पे खड्डे खोदता है तो वो लोग की कितनी रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कभी सुने कि किसी फार्मर को या किसी मजदूर को कोई बड़ा अवार्ड मिला हो? वो कभी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका मतलब कुछ लेना देना नहीं, वो बस एसी में बैठ के चुतियागिरी करते हैं बस हो गया, उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होती है। हमारे देश में करोड़ों रुपया लोग चोरी करके भाग जाते हैं और सरकार उनके पैसे माफ कर देती है, लेकिन ये जैसे किसान लोग जो बेचारे कर्जे की वजह से मर रहे या तो और भी सिचुएशन की वजह से मर रहे, लेकिन क्या हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं यार, थोड़ा सा अफसोस जताते। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, दोस्तों के सामने हाँ यार बेचारे ऐसा हो गया, बस खाना खाते निकल जाते, लेकिन हम लोग कभी फील नहीं करते। तो मेरा मकसद ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हम लोग ट्विटर पे चलाओ हैशटैग करके, किसानों की हेल्प करो। मतलब गवर्नमेंट एक ऐसी फैसिलिटी लाना चाहिए जहां पर उन लोगों के लिए फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए जो हम लोगों का सोच रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी उन लोगों का सोचे। तो यार इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो शायद लोगों को लगेगा मैं लेक्चर दे रहा हूं। मुझे ये शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं इतना ही बोलूंगा कि इस तरीके की चीजें और बनना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो इस सब चीजों के बारे में, लोगों को मालूम सब भी अनजान मत दे, क्योंकि पब्लिक का वो ये नहीं कि भाई हमारे पे नहीं बीती ना, हम लोग तो किसान है नहीं, हम लोग तो सुसाइड नहीं करे, हम लोग तो कर्जे में है नहीं, हम लोग को क्या लेना देना उन लोगों से, तो इस वजह से। लेकिन मैं आप बोलता कि आप फर्क पड़ना चाहिए, जैसे हम लोग किसी फिल्म को हिट कर देते हैं, फालतू की पिक्चर को भी करोड़ों रुपए दिला देते, तो इस तरीके किसान लोग की भी बढ़ चढ़ के मदद करो। जैसी एनजीओज है जो किसान लोग की हेल्प करती तो उस एनजीओज में डोनेट करो। मुझे पता नहीं कि मैं शॉर्ट फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ या कुछ और बोलने लगा, अगर आपको बुरा लगा तो माफ करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।